हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 17.98 इसकी करंट प्राइस चल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक में लगभग 162% से भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन है और नीचे के साइड में एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखिए, पेनी स्टॉक है दोस्तों, हाई रिस्क वाला। इसके अंदर हमें, मैं आपको बताना चाहूंगा, 16.70 से लेके 17.60 का एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक इसी लेवल पे आने के बाद मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लेकर ऊपर की ओर इसके अंदर बाउंस देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। अगर स्टॉक फॉल भी करता है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक में फर्दर ऊपर की ओर बाउंस, ऊपर की ओर तेजी हमें यहां पे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। एग्जैक्टली स्टॉक को हमने पहले भी इसी लेवल पे पकड़ लिया था और मैंने बताया था कि यहां से ऊपर की ओर बाउंस कर सकता है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 20 से लेके 20.65 का भी बताया था। एग्जैक्टली वही लेवल अचीव करके फिर से फॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पे आने के बाद ही ऊपर की साइड में बाउंस देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच करिएगा, ठीक है। अभी जैसे यहां पे आ जाएगा बाउंस देखने को मिलेगा, इनके यहां से फॉल भी करता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस को याद रख के ही इसमें एंट्री का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पिछले एक साल के रिटर्न आप यहां पे देख सकते हैं, 162.94% मिले, काफी शानदार रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन एवरेज, ग्रोथ लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पे स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहां से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर वेबसाइट। और अनदर मेन, सबसे मेन चीज, यहां पे रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देते हैं तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि स्टॉक में जो है हमें फॉल के गिरावट की चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैप जो है 12,884 CR का है। स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं। बाइंग की डेटा इज करंटली अनअवेलेबल, तो इस पॉइंट को स्किप कर लेते हैं। पीयर्स की बात करेंगे तो डायरेक्टली कंपटीशन होता है अदानी ग्रीन एनर्जी, NHPC, SJVN के साथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्राइस कंपैरिजन में बात करेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न हमें स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है।